बिहार में कोरोना का संकट मंडराने लगा है और लॉकडाउन की आहट लोगों को मिलने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। देखिए, उम्मीद यही है कि सरकार स्पेशल इफर्ट ये करे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वहाँ उनके फैक्ट्रियों में जाके वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि वहाँ जो श्रमिक होते हैं वो श्रमिक कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको अवेयर उनके जहाँ जो उनको नियोक्ता है वही कर सकते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन हो और वैक्सीनेशन किसी भी रूप में हो, वो फैक्ट्री के अंदर हो, फैक्ट्री के मालिक के थ्रू हो, वो होगा तो हम कोरोना से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और जो सर जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी चलती रहेगी और उससे राज्य का और उद्योगपतियों का दोनों का आगे गाड़ी बढ़ता रहेगा। उद्योग जगत कोई नहीं, सरकार ही इस पर नहीं विचार करेगी। सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम पूरा लॉकडाउन लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और आंशिक किसी राज्य में लॉकडाउन लगाने से वो लॉकडाउन का असर खत्म हो जाता है जब तक कि पूरे देश में नहीं लगे। चूँकि हमारा बाहर से लोग आएंगे, ट्रेन है, प्लेन है, सड़क परिवहन है, जब तक 100% पूरे देश में जैसे पहले हुआ था, असल लॉकडाउन वही है, बाकी आंशिक लॉकडाउन से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ का देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिर करके 4% पे आ गया था पिछले ये के दौरान 2020-21 का जब बात करें तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू पे होता है, जो कर और गैर कर राजस्व होते हैं। यदि कर का बात करें तो राज्य सरकार का अपना कर राजस्व में करीब 1400 करोड़ की कमी देखने को मिला है बजट एस्टीमेट से। यदि रिवाइज एस्टीमेट की बात करें तो 1400 करोड़ केवल अकेले जीएसटी कलेक्शन में कमी दर्ज की गई। यदि भारत सरकार से आने वाले कर का बात करेंगे, जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से होता है, उसमें आप देखिए करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है बिहार को 2020-21 में, रिवाइज एस्टीमेट में जो दर्शाया गया है बजट एस्टीमेट के तुलना में। तो ये पिछले साल का आंकड़ा है। आने वाले वर्षों में जो 21-22 चल रहा है उसमें भी आप कोरोना का देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये केस, और यदि लॉकडाउन हुआ तो इसमें भी काफ़ी क्षति होगी बिहार के उद्योग में भी। आप देखेंगे तो पिछले वर्ष में करीब करीब 2.5% 3% की जो कांस्टेंट प्राइस होता है उसमें ग्रोथ हुआ था, तो उद्योग में भी काफ़ी, हालांकि उद्योग का शेयर बहुत कम है बिहार में, फिर भी उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जी, रोजगार में पिछली बार आपने जैसा देखा होगा कि CMI का जो आंकड़ा था वो 10% से बिहार में 46% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था, जो बेरोजगारी दर होती है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र से और तमाम जगह से लोग, जो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन हो रहा है वहाँ से लोग बिहार में पलायन कर रहे हैं, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जाहिर है कि जब लॉकडाउन होगा तो इसका समाज के कई हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। खास करके जो प्रभाव पड़ेगा वो शिक्षा पर भी पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, बेरोजगारी पर तो पड़ेगा ही। बिहार सरकार का रेवेन्यू लॉस भी बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है और ग्रोथ रेट पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और ख़ास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट 8.2% 19-20 में दिखा, 20-21 का एस्टिमेशन अभी आना बाकी है जो कि कोरोना का काल बेसिकली था, तो ये एक एस्टिमेट किया जा सकता है कि 8.2% जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, वो कुछ कम होकर के वो 5-6% के इर्द गिर्द रह सकता है। बट लगातार यह लॉकडाउन अगर चलता है तो इससे रेवेन्यू लॉस पे एक भारी बड़ा असर पड़ेगा। खास करके बिहार सरकार की हालात जो है वैसे ही पहले से ही ख़राब है, खास करके जो है बजट को लेकर के और उनकी चीज़ों को पूरा करने को लेकर के, तो रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिसिप्ट पर भी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि काम धंधे बंद हो जाएंगे। खास करके आपने देखा कि GST कलेक्शन का जो हिसाब किताब रहा पिछले वर्षों में बहुत कम हो पा रहा है, तो लॉकडाउन में जब मार्केटिंग होगी ही नहीं, मार्केट चलेगा नहीं बिल्कुल, दूसरी बार अभी लॉकडाउन होने जा रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और यह अगर ऐसे ही बढ़ते चले गई तो
जो है बिल्कुल काम धंधे ठप हो जाएंगे जब तक सेल्स बिक्रियां नहीं होगी, उसमें CGST और SGST जो मिलता है बिहार गवर्नमेंट को या सरकारों को जो मिलता है वो बहुत कम होते चला जाएगा। तो इसका एक बड़ा असर जो है खास करके रेवेन्यू रिसिप्ट पर पड़ने जा रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और बिहार जैसे जो राज्य हैं, खास करके गरीब राज्य हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिहार में उद्योग जगत धीरे धीरे रेंग रही थी कि एक बार फिर संक्रमण बढ़ने लगा और अब लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में उद्योग जगत से जुड़े लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। रंजीत, ETV भारत, पटना।